हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके अबाउट बैक कॉमिंग और फ्रंट कॉमिंग प्रोफेशनल तरीके से कैसे की जा सकती है घर में बगैर किसी हेयर टूल एंड एक्सेसरीज़ के। तो इसके लिए आपको एक कॉम की ज़रूरत है, एक हेयर स्प्रे और ला तादाद बॉबी पिंस के। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बैक कॉमिंग को। जैसा कि मेरे फ्रंट पार्ट को इन्होंने अलग कर दिया और बैक ऑफ द मिड से इन्होंने पार्टीशन लेने शुरू किए। बिल्कुल बैक ऑफ द मिड है और आप पार्टीशन देख सकते हैं कि वो किस सेंस में ले रही हैं। मैंने इस वीडियो को जिस हद तक जूम इन करके बना सकती थी आप लोगों के लिए, ताकि आप बिल्कुल आसानी से इस बैक कॉमिंग और फ्रंट कॉमिंग को घर पे कर सकें। अपने किसी पार्टी इवेंट या किसी भी ओकेजन्स के लिए आप ग्रूम हो सकें घर पे खुद। तो ये देख रहे हैं आप, ये नीचे ले जाके जो है कॉम के थ्रू मेरे बालों को टेंगल कर रही हैं और फिर उसको फोल्ड करके पिन अप कर देंगी। इसी तरह इसी प्रोसेस को ये दोहराते हुए पूरे बालों को मेरे टेंगल करेंगी और पिन अप करेंगी और एक पूरा एक राउंड सा एक बन सा क्रिएट करेंगी। ये आप देख रहे हैं कि वो किस तरह पार्टीशन ले रही हैं पीछे के मिड ऑफ द, ये बन बिल्कुल, ये बैक कॉमिंग है तो ये बिल्कुल बैक ऑफ द मिड होगी। और ये आप अपने हिसाब से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बालों के साथ बालों को टेंगल करेंगे और कम वॉल्यूम देंगे बालों को, लेकिन हम बिल्कुल प्रॉपर बैक कॉमिंग करके दिखा रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। सो ये वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ये सारा बालों को टेंगल कर रही हैं और इसको पिनअप कर रही हैं। जी हाँ, एंड यू कैन सी माई ग्रे हेयर टू बिकॉज दिस इज़ अ जूम इन वीडियो एंड आई डोंट केयर, बट हाँ आई कैन सी आई एम गेटिंग ओल्डर डे बाई डे। बट लेट जस्ट स्किप दिस पार्ट एंड फोकस ऑन द वीडियो। सो येस, शी इज़ डूइंग, अब उन्होंने फ्रंट के बालों को थोड़ा सा लेके इस जो बन उन्होंने क्रिएट किया है उसको कवर अप करनी है फ्रंट के बालों से बहुत ही क्लीन करके, और ये इसके ऊपर रखेंगी। और आपने अपना हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है ये करते हुए, ताकि आप उसको जब पिनअप करें तो वो बन बहुत ही नीट एंड क्लीन सा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है मेरी वीडियो में, बहुत ही नीट एंड क्लीन सा लुक एक क्रिएट हो रहा है। और ये बहुत ज़बरदस्त है आपके किसी वेडिंग फंक्शन और किसी से कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हेयर स्टाइल पे, इतना कोई ज़बरदस्त सा क्रिएट हुआ है। 80s का ये बहुत ही हिट बैक कॉमिंग और फ्रंट कॉमिंग है एंड ये आजकल भी बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी प्रोफेशनल तरीके से मेकअप आर्टिस्ट नाइला बानो इस बैक कॉमिंग पे काम कर रही हैं और ये उन्होंने सारा पिनअप कर दिया है। और आज की हमारी बैक कॉमिंग के हवाले से ये वीडियो थी। अभी इसको प्रॉपर सेट कर रही हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और इसी वीडियो के ख़त्म होते ही हम चलेंगे अपनी फ्रंट कॉमिंग की वीडियो के सामने। जी हाँ, तो अब आप देख रहे हैं फ्रंट कॉम्बिंग स्टार्ट हो रही है और फ्रंट कॉम्बिंग के लिए फ्रंट का पार्टीशन लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पार्टीशंस शुरू कर दिए हैं इन्होंने लेना, और इसी तरीके से आप अपना फ्रंट पार्टीशन लेंगे और इस तरह से इन्होंने होल्ड किया हुआ है फ्रंट पार्टीशन को लेके, और इन्होंने ये पार्टीशन इस तरह अलग किया। आपने भी इसी तरह से ये अलग करना है, फ्रंट का फ्रंट पार्ट छोड़ देना और बैक को बैक पे छोड़ देना है। यहाँ से इन्होंने मज़ीद इन दो पार्ट को अलग किया है और अब ये इसको टीस करना शुरू कर देंगी, हेयर टेंगल करना शुरू कर देंगी। ये आप वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह किया है, तीन पार्टीशंस को किस तरह इन्होंने लिया है और अब बालों को टेंगल करना शुरू कर दिया है। और जी हाँ, इसी तरह सेम मेथड है जैसे हमने बैक कॉमिंग में यूज़ किया था। हम इसको पफ क्रिएट करेंगे और इसको पिनअप कर देंगे बॉबी पिन को यूज़ करते हुए। और जैसा कि ये कर रही हैं यहाँ पर वीडियो पे, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं जूम इन वीडियो है, और ये पिनअप करते हुए सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है। फ्रंट कॉमिंग आपके चेहरे को बहुत अच्छा सा वॉल्यूम देती है। जिनका फेस राउंड है, चबी है, जैसा कि मेरा फेस है, मेरे पे फ्रंट कॉमिंग सूट करती है, वॉल्यूम देती है मेरे चेहरे को, थोड़ा सा चेहरा आपका अच्छा लगता है। अगर आप राउंड और चबी फेस हैं तो ये आपके लिए है फ्रंट कॉमिंग। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन करें, आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस आता है आपके फेस एंगल में और आपकी फ़ोटोग्राफी में, कि आप जो है एकदम से आपका फेस जो है वो बिल्कुल ही वाइट सा लगने लगता है और एक लुक सी आ जाती है फेस पे। और यहाँ पे ये इसी तरह से पार्टीशन लेते हुए बॉबी पिन लगा दी जा रही हैं
और मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, मेरे बाल पहले से क्रिम्ड हुए हैं, क्रिम्ड हेयर आयरन यूज़ करते हुए, और ये बहुत आसान कर देता है आपके फ्रंट कॉमिंग और बैक कॉमिंग के प्रोसेस को अगर आप पहले से अपने बालों को क्रिम्बर यूज़ करते हुए क्रिम कर लें। और इससे वॉल्यूम पहले ही क्रिएट होता है तो आपको ज़्यादा मेहनत या एफर्ट नहीं करनी पड़ती बालों को, बालों के ऊपर। सो यस, मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे से वॉल्यूमनाइज थे और अब इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप भी इसी तरह से ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टी या इवेंट्स के लिए। यहाँ पे ये पार्टीशन कर रही हैं और पिनअप कर रही हैं मेरे बालों को। गाइस, बहुत ही इजी, बहुत ही गो टू लुक है, और अगर आप बहुत जल्दी में हो तभी आप थोड़े से अपने बाल टीज करके एक अच्छा सा फ्रंट का लुक क्रिएट, पफ क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके घर में कोई टूल्स या एक्सेसरीज हो ना हो, आप ये बगैर किसी टूल्स और एक्सेसरीज के कर सकते हैं। सो इससे बेहतर क्या होगा। और प्लीज़, अगर आपको मेरी ये ट्यूटोरियल अच्छी लग रही है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ ये कमेंट में बताएं कि आप लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। और यहाँ मेरे बालों पर जो है पफ क्रिएट कर चुकी हैं वो, और देखिए कितना ज़बरदस्त सा वॉल्यूम है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक छोटा सा ट्यूटोरियल लेके अबाउट बैक कॉमिंग और फ्रंट कॉमिंग प्रोफेशनल तरीके से कैसे की जा सकती है घर में बगैर किसी हेयर टूल एंड एक्सेसरीज़ के। तो इसके लिए आपको एक कॉम की ज़रूरत है, एक हेयर स्प्रे और ला तादाद बॉबी पिंस के। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बैक कॉमिंग को। जैसा कि मेरे फ्रंट पार्ट को इन्होंने अलग कर दिया और बैक ऑफ द मिड से इन्होंने पार्टीशन लेने शुरू किए, बिल्कुल बैक ऑफ द मिड है, और आप पार्टीशन देख सकते हैं कि वो किस सेंस में ले रही हैं। मैंने इस वीडियो को जिस हद तक जूम इन करके बना सकती थी आप लोगों के लिए, ताकि आप बिल्कुल आसानी से इस बैक कॉमिंग और फ्रंट कॉमिंग को घर पर कर सकें अपने किसी पार्टी इवेंट या किसी भी ओकेजन के लिए, आप ग्रूम हो सकें घर पे खुद। तो ये देख रहे हैं आप, ये नीचे ले जाके जो है कॉम के थ्रू मेरे बालों को टेंगल कर रही हैं और फिर उसको फोल्ड करके पिन अप कर देंगी। इसी तरह इसी प्रोसेस को ये दोहराते हुए पूरे बालों को मेरे टेंगल करेंगी और पिन अप करेंगी और एक पूरा एक राउंड सा एक बन सा क्रिएट करेंगी। ये आप देख रहे हैं कि वो किस तरह पार्टीशन ले रही हैं पीछे के मिड ऑफ द, ये बन बिल्कुल, ये बैक कॉमिंग है तो ये बिल्कुल बैक ऑफ द मिड होगी। और ये आप अपने हिसाब से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कम वॉल्यूम चाहिए तो आप कम बालों के साथ बालों को टेंगल करेंगे और कम वॉल्यूम देंगे बालों को, लेकिन हम बिल्कुल प्रॉपर बैक कॉमिंग करके दिखा रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। सो ये वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ये सारा बालों को टेंगल कर रही हैं और इसको पिनअप कर रही हैं। जी हाँ, एंड यू कैन सी माई ग्रे हेयर टू बिकॉज दिस इज़ अ जूम इन वीडियो एंड आई डोंट केयर, बट I can see I'm getting older day by day, but let's just skip this part and focus on the video. So yes, she is doing. अब उन्होंने फ्रंट के बालों को थोड़ा सा लेके इस जो बन उन्होंने क्रिएट किया है उसको कवर अप करी है फ्रंट के बालों से बहुत ही क्लीन करके, और ये इसके ऊपर रखेंगी और आपने अपना हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है ये करते हुए, ताकि आप उसको जब पिन अप करें तो वो बन बहुत ही नीट एंड क्लीन सा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है मेरी वीडियो में, बहुत ही नीट एंड क्लीन सा लुक एक क्रिएट हो रहा है। और ये बहुत ज़बरदस्त है आपके किसी वेडिंग फंक्शन और किसी से कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, हेयर स्टाइल पे इतना कोई ज़बरदस्त सा क्रिएट हुआ है। 80s का ये बहुत ही हिट बैक कॉमिंग और फ्रंट कॉमिंग है, एंड ये आजकल भी बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी प्रोफेशनल तरीके से मेकअप आर्टिस्ट नाइला बानो इस बैक कॉमिंग पे काम कर रही हैं, और ये उन्होंने सारा पिनअप कर दिया है। और आज की हमारी बैक कॉमिंग के हवाले से ये वीडियो थी। अभी इसको प्रॉपर सेट करिए, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और इसी वीडियो के ख़त्म होते ही हम चलेंगे अपनी फ्रंट कॉमिंग की वीडियो के सामने। जी हाँ, तो अब आप देख रहे हैं फ्रंट कॉम्बिंग स्टार्ट हो रही है, और फ्रंट कॉम्बिंग के लिए फ्रंट का पार्टीशन लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पार्टीशंस शुरू कर दिए हैं इन्होंने लेना, और इसी तरीके से आप अपना फ्रंट पार्टीशन लेंगे, और इस तरह से इन्होंने होल्ड किया हुआ है फ्रंट पार्टीशन को लेके, और इन्होंने ये पार्टीशन इस तरह अलग किया। आपने भी इसी तरह से ये अलग करना है, फ्रंट का फ्रंट पार्ट छोड़ देना और बैक को बैक पे छोड़ देना है। यहाँ से इन्होंने मज़ीद इन दो पार्ट को अलग किया है, और अब ये इसको टीज करना शुरू कर देंगी, हेयर टैंगल करना शुरू कर देंगी। ये आप वीडियो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह किया है, तीन पार्टीशंस को किस तरह इन्होंने लिया है और अब बालों को टैंगल करना शुरू कर दिया है।
और जी हाँ, इसी तरह सेम मेथड है जैसे हमने बैक कॉमिंग में यूज़ किया था। हम इसको पफ क्रिएट करेंगे और इसको पिन अप कर देंगे बॉबी पिन को यूज़ करते हुए। और जैसा कि ये कर रही हैं यहाँ पर वीडियो पे, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, जूम इन वीडियो है। और ये पिन अप करते हुए सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है। फ्रंट कॉमिंग आपके चेहरे को बहुत अच्छा सा वॉल्यूम देती है। जिनका फेस राउंड है, चबी है, जैसा कि मेरा फेस है, मेरे पे फ्रंट कॉमिंग सूट करती है, वॉल्यूम देती है मेरे चेहरे को, थोड़ा सा चेहरा आपका अच्छा लगता है। अगर आप राउंड और चबी फेस हैं तो ये आपके लिए है फ्रंट कॉमिंग। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीन करें, आपको पता लगेगा कि कितना डिफरेंस आता है आपके फेस एंगल में और आपकी फ़ोटोग्राफी में, कि आप जो है एकदम से आपका फेस जो है वो बिल्कुल ही वाइट सा लगने लगता है और एक लुक सी आ जाती है फेस पे। और यहाँ पे ये इसी तरह से पार्टीशन लेते हुए बॉबी पिन लगा दी जा रही हैं। और मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, मेरे बाल पहले से क्रिम्ड हुए हैं, क्रिम हेयर आयरन यूज़ करते हुए, और ये बहुत आसान कर देता है आपके फ्रंट कॉमिंग और बैक कॉमिंग के प्रोसेस को अगर आप पहले से अपने बालों को क्रिम पर यूज़ करते हुए क्रिम कर लें। और इससे वॉल्यूम पहले ही क्रिएट होता है तो आपको ज़्यादा मेहनत या एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती बालों के ऊपर। सो यस, मेरे बाल पहले से बहुत अच्छे से वॉल्यूमनाइज थे और अब इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप भी इसी तरह से ये प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं अपने पार्टी या इवेंट्स के लिए। यहाँ पे ये पार्टीशन कर रही हैं और पिनअप कर रही हैं मेरे बालों को। गाइस, बहुत ही इजी, बहुत ही गो टू लुक है। और अगर आप बहुत जल्दी में हो तभी आप थोड़े से अपने बाल टीज करके एक अच्छा सा फ्रंट का लुक क्रिएट, पफ क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके घर में कोई टूल्स या एक्सेसरीज हो ना हो, आप ये बगैर किसी टूल्स और एक्सेसरीज़ के कर सकते हैं। सो इससे बेहतर क्या होगा। और प्लीज़, अगर आपको मेरी ये ट्यूटोरियल अच्छी लग रही है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ ये कॉमेंट में बताएँ कि आप लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। और यहाँ मेरे बालों पर जो है पफ क्रिएट कर चुकी हैं वो, और देखिए कितना ज़बरदस्त सा वॉल्यूम है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।